नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा में जो घपलेबाजी हुई है, इसको लेकर राहुल गांधी ने उजागर किया है और अपने ट्वीट के जरिए किया है। और उन्होंने साफ तौर पर जो अभ्यर्थी थे, जो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने राहुल गांधी से आज प्रयागराज में मिले। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज होते हुए गुजर रही थी, उसके बाद अमेठी पहुंची, अब लखनऊ के लिए वो रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से अभ्यर्थी पुलिस परीक्षा जो भर्ती परीक्षा था, उसमें किस तरह से अभ्यर्थी जो है राहुल गांधी से मुलाकात की, इसी को लेकर राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने जो है कुछ चीजों को लेकर साझा किया है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। आज यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक होने की शिकायत को लेकर कुछ छात्र मिलने आए थे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है। लीक हुए पेपर ने 50 लाख से अधिक मेहनती अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रयागराज के छोटे छोटे कमरे में जहां आशा की रोशनी में बड़े बड़े सपने देखे जाते थे, वहां अब निराशा का अंधकार है। ये राहुल गांधी का कहना है। सरकारी तंत्र और नकल माफिया की मिलीभगत से यूपी में अनगिनत युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। डबल इंजन वाली अहंकारी सत्ता इतनी संवेदनशील है कि टूटे हुए सपनों की दास्तां तक सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों के साथ हुए इस अन्याय के विरुद्ध न्याय की इस लड़ाई में मैं उनके साथ खड़ा हूं, यानी मैं मीन्स राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा है। उठो, जागो और अपने भविष्य की रक्षा करो, हैशटैग यूपी पेपर लीक और युवा न्याय। उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को लेकर जिक्र किया है कि किस तरह से जो युवाओं की लड़ाई है वो राहुल गांधी लड़ने को तैयार है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगी, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी वो सफल रहा था, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा यानी न्याय का हक मिलने तक, और तमाम युवाओं की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, नारी की लड़ाई, और उसके बाद जिस तरह से उनकी बेरोजगारी की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई और किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर जो है वो किस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह भी जिक्र करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी निकली। उन्होंने किसानों की MSP को लेकर वो भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठा निकला। और उन्होंने साफ तौर पर कई सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब जो पेपर लीक मामला है वो किस तरह से जो है ये कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। यानी आप भी चाहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मजबूत हो और न्याय का हक मिलने तक, तो आप भी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा बनिए और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो में इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।